नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका दोस्त प्रशांत। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं 12 इंच की एक ट्रॉली। आप देख सकते हैं ये मेरे आगे अभी रखी हुई है। इस ट्रॉली को आप अपने घर में कहीं पर भी, अगर आप बाहर जा रहे हैं या किसी फंक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जैसे कि ये 12 इंची स्पीकर इसके अंदर लगा हुआ है, तो उसकी साउंड क्वालिटी आप सभी को पता है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती ही है। तो आइए, तो हम सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें क्या क्या चीज़ें हमें मिली हैं, और बॉक्स पे भी देखते हैं, इस पे सारी स्पेसिफिकेशंस मेंशन्ड है। तो क्या क्या इसके अंदर स्पीकर, क्या इसके अंदर बैटरी कितनी mAh की है, कितना उसका पावर बैकअप है, कौन सा इसके अंदर सबवूफर लगा हुआ है, तो सारी डिटेल्स इसके बॉक्स में मेंशन है। तो चलिए एक बार इसके बॉक्स को चेक करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें सबवूफर 12 इंच का लगा हुआ है। इसका मटेरियल, जिस मटेरियल से ये बना हुआ है, वो प्लास्टिक है। और इसके अंदर हमें ये, इसमें ब्लूटूथ का सपोर्ट भी मिल जाता है, और आप इसमें कोई भी अपनी अगर कुछ भी चीज़ रिकॉर्ड करना चाहें तो आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। इसके अंदर मेमोरी स्लॉट भी है, और यहाँ पर आप इसमें USB भी लगा सकते हैं। इसके अंदर FM भी है, आप रिकॉर्डिंग का, जो मैंने भी आपको बताया, रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। इसके अंदर दो, आप साथ के साथ दो वायरलेस माइक भी कनेक्ट कर सकते हैं। और इसमें क्या है, आपको ये जो बैटरी मिलती है वो 45 mAh की बैटरी मिलती है, जिसका पावर बैकअप जो है वो 3 to 4 hours का है। तो चलिए अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ हमें दी गई। चलिए मैं इसके कंटेंट्स के बारे में बता देता हूँ आपको। ये सबसे पहले हमें एक, ये ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। इसके अंदर सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, जो कि आप सभी को ज़्यादातर पता ही हैं। और यहाँ पर हमें ये दो वायरलेस माइक दे रखे हैं, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था। और ये इसका एक रिमोट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का लग रहा है, आप देख सकते हैं इसे। और ये है इसका चार्जर, इसके अंदर रिचार्जेबल बैटरी लगी हुई है, तो ये उसके लिए चार्जर दिया हुआ है। तो अब एक बार हम आपको इसकी मेन यूनिट पे लेके चलते हैं, इसका फिजिकल ओवरव्यू दिखाते हैं। ये सबसे यहाँ पर, ये 12 इंची का सबवूफर, ये आप इसमें देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा। और इसमें यहाँ पर लाइटनिंग का भी यूज़ करा हुआ है, जो रात के टाइम काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है जब जलती हैं तो। और यहाँ पर अब मैं आपको इसके चारों तरफ से घुमा के दिखा देता हूँ एक बार। इसके कंट्रोल जो हैं वो सारे पीछे दे रखे हैं। यहाँ पर इसके अंदर ये व्हील्स भी दे रखे हैं, तो जिससे आप इसे आसानी से कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं। यहाँ पर ये सारे इसके कंट्रोल पीछे हैं, आप इसमें देख सकते हैं। ये है इसका एंटीना, जिसे आप, जिसकी लेंथ कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और यहाँ पर ये इसके आउटपुट के लिए, अगर आप ऑक्स केबल या फिर आउटपुट अगर इसमें से कहीं पर कोई और स्पीकर आप कनेक्ट करना चाहें तो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये इसका पावर का बटन है। और यहाँ पर अगर आप कोई माइक एक्सटर्नल, एक कोई वायर्ड माइक माइक कनेक्ट करना चाहें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, वॉल्यूम के सारे कंट्रोल दे रखे हैं। यहाँ से आप माइक की वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं इस वाली नॉब से, ये इको के लिए, बेस के लिए, और यहाँ पर ये ट्रैवल के लिए दे रखा है। और ये इसकी आप नॉर्मल वॉल्यूम जो है आप इससे कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर हमें एक USB के लिए पोर्ट दे रखा है, और ये मेमोरी कार्ड के लिए पोर्ट है। और यहाँ पर हमें एक स्क्रीन दे रखी है, जिससे आप यहाँ पर इसके अंदर जो भी ब्लूटूथ अगर कनेक्ट करना चाहते हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले पर आ जाता है। और यहाँ पर ये पुश बटन्स दे रखे हैं, जिससे आप गाना आगे पीछे फॉरवर्ड बैकवर्ड कर सकते हैं, किसी चीज़ को रिपीट करना चाहते हैं, रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ से हो जाता है। तो और आपको एक इसकी मेन चीज़ जो है वो है इसका, ये आप देख सकते हैं इसके अंदर ये हैंडल, जो कि कैरी करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। और इसके अंदर ये जो व्हील्स लगे हुए हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा हैंडी तो है ही, और साथ के साथ ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट भी है। आप इसका साइज़ देख सकते हैं, ये ना ही ज़्यादा बड़ा है और ना ही ज़्यादा छोटा है। अब नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो है इसका रिमोट। आप देख सकते हैं ये सारे कंट्रोल्स हमें रिमोट पर मिलते हैं। इसमें आपको सेल डालने पड़ेंगे, और ये हमारे वायरलेस माइक है। तो चलिए अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, वो है इसकी टेस्टिंग। Oh,
तो दोस्तों आपने देखा इसकी टेस्टिंग कैसे कैसे हमने करी, और मुझे तो ये ट्रॉली काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।